क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड एनएफटीज आर अनरेगुलेटेड एंड कैन बी हाईली रिस्की, देयर मे बी नो रेगुलेटरी रिपोर्ट फॉर एनी लॉस फॉर सच ट्रांजैक्शंस। तो दोस्तों आज की इस अपडेट में काफी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। और जिस तरीके से ये एक बियर आपको देखने को मिल रहा है, और इस बियर को देखने के बाद बियर मार्केट के जब बारे में हम सोचते हैं तो काफी विचलित से हो जाते हैं, लेकिन जो फैक्ट है उन चीज़ों को समझना होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि मार्केट में एक डंप आ सकता है, लेकिन वो क्या चीज़ें हैं इसको समझने के लिए हमें इस वीडियो को तो पूरा देखना होगा। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और जो लोग नए हैं चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि हमारे द्वारा दी जा रही जो भी अपडेट्स है लगातार आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन का डेटा थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम कॉइन मार्केट कैप पर आते हैं यानी सीएमसी के ऊपर, तो हम देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन में अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। लगभग 1.18 ट्रिलियन के आसपास हमें मार्केट कैप ऊपर जाती दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर मार्केट कैप का अगर हम चार्ट को देखते हैं तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि ये देखो इस तरह से मार्केट कैप जब नीचे बिल्कुल आई थी, और उसके बाद यहाँ पर हमें थोड़ा सा राइज होता दिख रहा है। अगर यहाँ पर फुल चार्ट पर हम देखते हैं तो ये देखो यहाँ पर जब ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जब नीचे आई थी, तो बीटीसी का प्राइस लगभग 17,500 के आसपास आया था, और उस पॉइंट से लगातार आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर के साइड रन कर रही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ऊपर के साइड रन कर रही है। तो यहाँ पर मैं ये जो बात कर रहा हूँ कि बीटीसी बेयरिश सिग्नल, तो ये क्या सिग्नल है ऐसा जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी होगा। चलो यहाँ से हम बात करते हैं कि बीटीसी का बेयरिश सिग्नल वो क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक्सचेंज का इनफ्लो डेटा है, जो कि क्रिप्टो क्वांट की तरफ से यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है कि ऑल एक्सचेंजेस यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, इस पर जो बीटीसी का इनफ्लो हो रहा है। इनफ्लो मीन्स, काफ़ी लोग इनफ्लो को नहीं समझेंगे, मैं बता देता हूँ। इनफ्लो मीन्स जो जैसे कि अभी हमारे पास कोई क्रिप्टोकरेंसी है, तो हम लोग छोटे इन्वेस्टर हैं, काफ़ी लोग एक्सचेंजेस पर फंड रखते हैं, कुछ लोग ट्रस्ट वॉलेट में फंड रखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो चार पांच एक्सचेंजेस में फंड अपने को रखते हैं डाइवर्सीफाई करके, और ट्रस्ट वॉलेट का भी यूज़ करते हैं। काफ़ी जो एक इंडिया की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वो यहाँ पर मैंने ये देखा है कि वज़ीरेक्स एक्सचेंज पर ही अपने फंड को रखती है, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस का यूज़ नहीं करती है। हालांकि काफ़ी बार मैंने कहा कि अपने चार पांच एक्सचेंजेस में अकाउंट बनाओ, अगर आप वहाँ पर हार्डवेयर वॉलेट खरीदने की स्थिति में नहीं हो तो आप चार से पांच एक्सचेंज पर अकाउंट बनाओ, और अपने 1000 यूएसडीटी अगर आपके पास हैं तो 201 एक्सचेंज पर रखो, 201 एक्सचेंज पर रखो, 201 एक्सचेंज, इस तरीके से 5-6 एक्सचेंजेस पर आप रख सकते हो, ट्रस्ट वॉलेट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क वॉलेट है, ट्रॉन लिंक है, ट्रॉन की ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो ये बड़े वेल्स होते हैं, ये अपने फंड को रखते हैं हार्डवेयर वॉलेट में, ठीक है। तो होता ये है कि जैसे आपने काफ़ी लोगों को मुंह सुना होगा कि जिसके पास की क्रिप्टो उसकी, यानी अगर की जैसे कि आप ट्रस्ट वॉलेट में जब अकाउंट बनाते हो तो आपको 12 फ्रेज की एक की मिलती है जिसको आपको रखना होता है, सीरियल वाइज उसको लिखना होता है। उसी तरीके से हार्डवेयर वॉलेट जो होते हैं उसमें 24 की होती हैं जिसको आप सीरियल वाइज रखना होता है, और उस हार्डवेयर वॉलेट में आप अपनी क्रिप्टोकरेंसी को रख सकते हो। तो कभी अगर आप चाहोगे तो मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह भी कर दूंगा, ताकि आपको समझ में आए किस तरह से उसको यूज़ करना। वैसे भी काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हो कि हार्डवेयर वॉलेट को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बात आती है दोस्तों इनफ्लो। अब जैसे हार्डवेयर वॉलेट में हमारे पास क्रिप्टोकरेंसी रखी है, मान लीजिए मेरे पास 100 बिटकॉइन है, यहाँ पर सपोज दैट मेरे पास 100 बिटकॉइन है या 100 इथेरियम है। अब मैं उसको एक्सचेंज पर क्यों लाऊंगा? अगर मैं एक्सचेंज पर यहाँ पर ला रहा हूँ, डिपॉजिट कर रहा हूँ अपने एक्सचेंज पर, मेरा जो अकाउंट है उस पर मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, और एक बड़ा फंड है, तो मैं उसको सेल ऑफ करने ही लाऊंगा, ठीक है, वहाँ पर अपने हार्डवेयर वॉलेट से रखने नहीं लाऊंगा। तो इनफ्लो का मतलब ये होता है कि बड़े वेल्स का फंड यहाँ पर ऑल एक्सचेंजेस में इनफ्लो हो रहा है। देखो मैंने ट्विटर पर एक पोस्ट भी की थी कि लगभग 52 BTC इनफ्लो हो चुके हैं एक्सचेंजेस पर, डिफरेंट टाइप के एक्सचेंजेस पर, बाइनेंस पर, कॉइनबेस पर, जेमिनी पर, ठीक है, और भी बिटफिनिक्स, इस तरीके के जो भी एक्सचेंजेस यहाँ पर धीरे 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 एक्सचेंज में इनफ्लो बढ़ रहा है। तो ये चार्ट उसका ही है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये USD के प्राइस की लाइन हो गई, और यहाँ पर ये जो इनफ्लो, यहाँ पर आप जो कैंडल आप देख रहे हो, तो यहाँ पर ये बता रहा है आपको कलर वाइज, यहाँ पर ये चार्ट इंडिकेट करता है कि किस तरह से यहाँ पर इनफ्लो हमें देखने को मिल रहा है BTC में। तो ये यहाँ पर ये एक बड़ा संकेत हो सकता है बिटकॉइन के प्राइस को नीचे ले आने के लिए। अब यहाँ पर मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एक्सचेंज का इनफ्लो क्या होता है, उसी का जस्ट अपोजिट होता है आउटफ्लो। यानी कि एक्सचेंज से हम आए, हमने एक्सचेंज से फंड खरीदा, मतलब क्रिप्टोकरेंसी खरीदी, और आउट कर दिया उसको एक्सचेंज से अपने वॉलेट में। तो यानी कि हम इसको होल्ड कर रहे हैं, अपने वॉलेट की तरफ ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर एक बुलिश साइन होता है। लेकिन जब एक्सचेंजेस पर इस तरीके के इनफ्लोज होते हैं तो वो एक बेरिश साइन होता है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 1000 से 10000 के बीच में यहाँ पर
इनफ्लो देखने को मिल रहा है, लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे 9 अगस्त के बाद से, यहाँ पर ये डेट दी है 9 अगस्त, छोटा सा लिखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं मैनुअली बता रहा हूँ कि 9 अगस्त के बाद से ये इनफ्लो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। देखो 8 अगस्त को भी अच्छा खासा इनफ्लो हुआ, फिर उसके बाद ये बढ़ा, फिर ये 10 अगस्त, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये अगर हम देखेंगे तो 10 अगस्त तक का इनफ्लो है। हालांकि उसके बाद का भी डेटा मुझे यहाँ पर प्रोवाइड हुआ है कि 12 अगस्त यानी कल के दिन, 11 अगस्त परसों के दिन, उसमें भी इन्फ्लो हमें देखने को मिला है जो डेटा मेरे पास आया, ठीक है, 1000 BTC, 2500 BTC, 2000 BTC, 1200 BTC, इस तरीके का डेटा मेरे पास मौजूद है। तो यहाँ पर हम चलते हैं चार्ट पर और वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो चार्ट पर यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस क्या बोल रहा है। बिटकॉइन का प्राइस जिस तरीके से आप देख रहे हो कि लगातार एक प्राइस चैनल के अंदर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, आप देखोगे तो एक प्राइस चैनल के अंदर यहाँ पर रिएक्ट करता दिख रहा है, इसके अंदर ही मूव कर रहा है ऊपर ऊपर। तो ये जो 17,500 का लो लगा था उसके बाद से मार्केट आपको ऊपर ही जाती दिख रही है। आई बात समझ में? यहाँ पर मैं चार्ट को फुल स्क्रीन पे करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो इस तरह से यहाँ पर एक राइजिंग चैनल बना हुआ है जिसके अंदर प्राइस मूव करता हुआ ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन प्राइस को अगर आप ध्यान से देखोगे प्राइस को ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है। अभी हम किस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं? अभी हम बेयरिश ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। RSI 60 के बाद दो बार नीचे गिरी और एक रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने के बाद RSI 60 के लेवल के ऊपर आने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। तो देखो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि फिर बात लौट घूम के वहाँ पर आ जाती है कि जब इस चैनल के बाहर प्राइस निकलेगा, ये जो यहाँ पर ये दो लाइंस का आपको चैनल दिख रहा है जिसके बीच में प्राइस ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो जब इसके बाहर निकलेगा तो ही यहाँ पर मार्केट एक साइड मूव कर सकती है, ठीक है। तो ये ऊपर के लेवल होंगे, यहाँ पर जो जोन वाइज मैंने क्रिएट किए ये ऊपर के लेवल होंगे, तो यहाँ पर मैं लाइंस लगा देता हूँ ताकि आपको लेवल्स देखने समझने में आसानी रहे। तो यहाँ से एक मिनट, ये देखो ये हो गई एक बड़ी जोन जहाँ पर प्राइस जाकर हिट कर सकता है, लेकिन ये 32,000 से 34,500 के बीच में। दूसरा जो नियर बाई रेजिस्टेंस हमारा है, तो यहाँ पर एक मिनट, ये देखो ये मैंने यहाँ पर एक लाइन को क्रिएट किया, दो लाइंस इसलिए लगा दे रहा हूँ कि ताकि आपको जोन का पूरा मेजरमेंट समझ में आए, ठीक है। और अभी हम जिस रेजिस्टेंस एरिया पर खड़े हैं वो रेजिस्टेंस एरिया है लगभग 24,000 से थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पर देखो ये लाइन मैंने लगा दी, ठीक है, ये सपोर्ट बनेगा, ये जो नीचे का जिस जोन को पार करके आया है प्राइस, उस जोन पर इसका सपोर्ट बनेगा BTC का। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर और बहुत ही सिंपल करके यहाँ पर मैं बताने की चीज़ आपको कोशिश कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझना। देखो इनफ्लो का डेटा मैंने आपको दिखा दिया, वॉल्यूम आ नहीं रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, RSI 60 के पार जाने की कोशिश कर रही है जो कि एक बुलिश साइन होता है, लेकिन यहाँ पर इस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बिटकॉइन का प्राइस, इस रेजिस्टेंस को पार करता है यानी कि 24,500 का तो मैंने आपको लेवल दिया था कि एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, इसको बार बार बिटकॉइन का प्राइस हिट कर रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, लेकिन यहाँ पर आज के दिन थोड़ा सा लग रहा है तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो यहाँ पर वॉल्यूम हमको मिलना चाहिए। देखो यहाँ पर गिरावट हुई, यहाँ पर ये एक सपोर्ट पे मार्केट ऊपर नीचे कर रही थी, यहाँ पर गिरावट हुई तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम ने सपोर्ट किया, वॉल्यूम आप देख रहे हो ऊपर की तरफ बढ़ा, यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ा, तो यहाँ पर हमें बेयरिश वॉल्यूम ने सपोर्ट किया और मार्केट आई नीचे। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस बुलिश टूटता है तो हमें यहाँ पर बुलिश वॉल्यूम भी सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे भाई। यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम लगातार डिक्रीज होता नीचे जा रहा है, प्राइस लगातार ऊपर के साइड होता जा रहा है। तो यहाँ पर ये कुछ बेयरिश साइन है, अभी तो मार्केट ऊपर चल रही है तो थोड़ा सा लोगों को नहीं समझ में आ सकता है कि लोग बोल सकते हैं कि आप मार्केट को बेयरिश कर रहे हो, लेकिन मेरे या किसी भी इन्फ्लुएंसर के ऐसा बोल देने कि मार्केट बेयरिश हो जाएगी तो बेयरिश नहीं होगी, क्योंकि बिटकॉइन एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है और जितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जैसे कि अभी भी आप देखोगे 1.18 ट्रिलियन के आसपास है मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो उसका 40-41% 42% तो बिटकॉइन के कब्जे में है। तो मेरे बोलने ना बोलने से मेरे भाई कहीं पर कुछ होने वाला नहीं है। ये एक टेक्निकल एनालिसिस है जो मैं आप तक पहुंचाता हूं, ऑनेस्टली पहुंचाने की कोशिश करता हूं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो। तो उम्मीद करूंगा कि ये अपडेट में मैंने काफ़ी बहुत ही क्लियर वे में आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। और यहां से हम देखेंगे तो बिटकॉइन के प्राइस एक रेजिस्टेंस एरिया को हिट करा है और इस एरिया में घूम सकता है कुछ वक्त, और उसके बाद अगर यहाँ पर इनफ्लो जो BTC का हो रहा है, यहाँ पर वेल्स ने अगर खेल अपना शुरू किया है तो हो सकता है ये प्राइस को पंप कर रहे हों, पंप करने के बाद ये प्राइस को डंप कर दें, क्योंकि वहाँ पर पंप करने के बाद ये जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनको अपनी BTC बेच देंगे, और जब बेचेंगे तो सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा तो मार्केट आएगी नीचे डाउन। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अपडेट में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, हालांकि मैं उम्मीद यही करूँगा, दुआ भी यही करूँगा कि BTC का प्राइस ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पर जो सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। तो चलो दोस्तों, याद दो।
नेक्स्ट अपडेट में मिलता हूँ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड एनएफटीज आर अनरेगुलेटेड एंड कैन बी हाईली रिस्की, देयर मे बी नो रेगुलेटरी रिकॉर्ड फॉर एनी लॉस फॉर सच ट्रांजेक्शंस।